और राज्य में मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है और हिंदुओं को दबाने में जुटी हुई है। इसकी ताजा बांगी फिर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पुलिस भर्ती हुई है। यह पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की लिस्ट है जिसमें चयनित सब इंस्पेक्टर के नाम है, लेकिन इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें चुने गए लगभग सारे अभ्यर्थी मुस्लिम। अब सवाल ये कि क्या इन पदों के लिए सिर्फ मुस्लिम आवेदकों ने ही आवेदन किए थे? अगर नहीं तो फिर मुस्लिमों का ही चयन क्यों किया गया? क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? और अगर मुस्लिम पुलिस वालों को ही चुना गया तो इसके पीछे मंशा क्या है? सोशल मीडिया पर यह सवाल दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने उठाया और इस लिस्ट को पोस्ट कर उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछा है। परवेश वर्मा ने लिखा, कल पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी ने साबित किया कि वो कैसा राज स्थापित करना चाहती है। यह लिस्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि बंगाल में जो नरसंहार चल रहा है अब वो कितना बढ़ेगा। थाने के बाहर भी ममता के गुंडे मारेंगे और अंदर भी। क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करने की हिम्मत करेगा? यह आरोप गंभीर है और जायज भी। इस लिस्ट पर आप नजर डालेंगे तो लाइन से सारे नाम आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि चयन में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही तरजीह दी जाए? क्या इसके जरिए ममता बनर्जी राज्य के पुलिस में एक धर्म का दबदबा बढ़ाना चाह रही है या फिर उनकी मंशा कुछ और है? कुछ दिन पहले बंगाल के कोलकाता में भी एक ऐसा ही अस्पताल खुला था जिसमें संयोग से सारे डॉक्टर मुस्लिम ही थे। इस अस्पताल के डॉक्टर लिस्ट में